Hey guys, welcome back to our channel, Delhi Into Twins. We hope कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, हम सुनो चंदा ड्रामा के एपिसोड 9 पर रिएक्शन दे रहे हैं। काफी मजा आ रहा है, काफी मतलब हंसी मजाक हो रही है, काफी मजा आ रहा है। तो guys, जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, इस वीडियो में उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो guys, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे देखते हैं कि आगे क्या धमाके होने वाले हैं। साथ में एपिसोड 9 आगे एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सुनो चंदा, देख लिए अपनी बीवी के भांजी के करतूत कैसे घर में आग लगा दिए चंद सेकंडों में। अच्छा, तुम फिकर मत करो मुमताज, तुम देखना इस आग पे वो खुद ही ठंडा पानी पिला लेगी। अच्छा, कौन सा बर्फ खाना है उसका? तुम देखना, तो खुद ही माफी मांगेगी नईमा से भी और नजाकत से भी। मांगी ना ले, वो थोड़ी तुम्हारी तरह ही गुस्से की तेज, मेरा मतलब है थोड़ी सी तेज है, मगर ये कि दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, हमारे दिल को तो जंग लगा हुआ है, तभी तो ये भी भाई कोई मौका नहीं छोड़ दी। ये पुरानी बातें दोहरा कर क्यों तुम अपना भी दिल जलाती हो और मेरा भी दिल जलाती हो? हमारा दिल तो जल के हो गया खाक, राख उठाए उठाए इधर उधर फिर रहे हैं हम। हम पुराना वक्त वापस ला सकते। पुराने वक्तों की बातें छोड़ दो शाहजहान, आज की बात करो, आज की। अब देख लो, आई नहीं है माफी मांगने के लिए, अकड़ तो उसमें जैसे कूट कूट कर भरी हुई है। अभी तो मैं इसकी शादी के खिलाफ थी। मैं जानता हूँ तुम अरबेला से शादी करवाना चाहती थी ना जमशेद की। और नहीं तो क्या, मेरा बस चले तो मैं आज निकाह कर दूं बिल्लो का और जमशेद का, 4 दिन तो मेरा बच्चा सुकून से रहे। वाह वाह बीजान, क्या ओ भाई, सुन लिया। फांसी पे चढ़ावा ना, यही तो मैं करती हूँ, रात में उसको भाई लगा देती हूँ, घुटे से बांध के उसको सारा दिन सूखी रोटी खिलाती हूँ, घुटे मारती हूँ, यही तो करती हूँ मैं फिर, है ना? क्या ना, मेरा मुंह मत खुलवाना आप। तुम अब मेरी जबान को लगाम नहीं होगा, अब खुलेगा मेरा मुंह। आप एक काम करे बीजान, आप छोड़े अरसल और जिया की शादी को, हाँ उनके ब्याह को भेजे लानत, आप जमशेद साहब की और मनीष बिल्लो मांगी का ना उन दोनों का ब्याह करा दे, मेरे मन में इजाजत है। देख लिया शाहजहां, तुमने देख लिया किस तरह से ये बात करती है, ये यार है भाई, इतनी की तमीज है ना छोटे से। क्या भाई, क्या बोले, हमने सुन लिया था वो। अरे वो तो ऐसा सुना के गई है भाई, उनने सुन लिया था ना। एक बात मैं मान गई। वो क्या? वजीराबाद की छुरियों से भी ज्यादा तेज है तुम्हारी बीवी की ज़बान। अल्लाह के वास्ते बिल्लू, जरा आहिस्ता बोलो कहीं सुन ना ले, आजकल तो खुदकश बम्बार बनी हुई है शाना। खैर बुज़दिल तो तुम शादी से पहले भी थे, लेकिन छन्नो से शादी के बाद 4 चांद लग गए। ऐसा नहीं है, प्यार तो बहुत करती है मुझसे, इसलिए थोड़ा जज्बाती हो जाती है। जज्बाती प्यार तो कोई और भी करता था तुमसे बहुत। अल्लाह के वास्ते बिल्लू, भूल जाओ पुरानी बातों को, अब मैं जवान बेटे का बाप हो गया हूँ। कोई बातें तो नहीं भूल सकती, याद है कैसे झटके से छुड़ाया था तुमने अपना दामन। भाई भाई, इसके सामने तो मतलब हकीकत नहीं हो रहा है भाई। ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रही हो? तुम इसे मधुस के साथ यहाँ पे अपनी जन्नत फंसाओ। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है शाना, मेरी बात तो सुनो। ये अपनी आंखों से देख लिए। तुम्हें पता है उनके पास सारे नए एडिशन आए हैं, तुम्हें चाहिए तो तुम ले लेना। क्या पागल हो गए हो, शेरी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अरे डोंट वरी, मेरे पास कार्ड है, तुम ले लेना। ओके, मुझे खुशी होगी। पक्का? पक्का, चल आ जा। क्या बन रहा है? वो चिकन डोनट। किंजा तुम्हें पास्ता बनाना आता है? बिल्कुल। वाकई? ऑफ कोर्स।
यार जरा उसके साथ समोसे रोल भी बना देना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं इफ्तारी पे प्लीज। आप फिक्र ही मत करें, मैं सब बना दूंगी। और अगर कुछ और भी चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कितना ही कोई लकी आदमी होगा जिसकी लाइफ पार्टनर तुम बनोगी। सब कुछ यहाँ था ब्रेकिंग न्यूज़, फिर आ गया तू मनोज साले। नवा कट्टा खुल गया जे। ओ ते मैं देख ही रहा, हुआ क्या है ये बता। ताई जी सारा सामान पैक करके जा रही है घर छोड़कर। क्या बकवास कर रहा है, किधर जा रही है? मुझे क्या पता, आप जाके पूछे। कभी जब तू अच्छी खबर लाया हो मनोज। आज बहुत बड़ा आंधी आएगा, बल्कि तूफान तूफान आएगा। अच्छा, बाहर तो अच्छी खासी धूप नजर आ रही है। अल्लाह, किस औरत के साथ हमारा भला पड़ा है? हम बाहर के मौसम का नहीं, घर के अंदर का मौसम का बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे मौकों पर तो आप अक्सर मासूम बन जाता है मासूमा बेगम। क्या मतलब? मुझे तुम्हारा भाई है जमशेद, आजकल बड़ा हवाओं में उड़ रहा है। शाना भाभी उसका पर काटने वाले। अल्लाह खैर करे, हुआ क्या है बताए तो सही। बस थोड़ा देर सबर करो, फिर होगा तब मस्त कलंदर। शाना भाभी तो शेरनी बना घूम रहा है, शेरनी। हाय, छन्नो को भी कोई और काम नहीं है, अभी अब्बा जी जिंदा होते ना एक मिनट में इसको दुरुस्त कर देते। बराबर बोलते हैं, छन्नो तो छन्नो है भाई, बुजुर्ग होते ना इससे घर का सिस्टम ठीक रहता है। ये तुम क्या देखते बड़ा पोपट पोपट? कपड़े दिखा रही हूँ आपकी बेटी के लिए। हाँ हाँ, वो ये तुम हमारा किंजे के लिए सबसे अच्छा कपड़ा खरीदो, शाबाश शाबाश। नहीं तुम ठीक नहीं कर रही हो। छोड़ो जी छोड़ो, मैंने नहीं जाना अंदर, मैं बता रही हूँ। मेरे मुंह ना लगना, मेरे दिल के अंदर ना पांपड़ लगे हुए। अच्छा अंदर चलो बैठ के बात करते हैं ना। नहीं अंदर जाना, जब तक वो बिल्लो बांध रही मनुष्य अंदर है ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। वो मेहमान है हमारी। मेहमान नहीं है वो, बाले जान है वो, जो इस घर में आके बैठ गई है। मैंने नहीं देखी उसकी पैरी पूछी। असल बेटा समझा अपनी जज्बाती माँ को समझा। हाँ सारी दुनिया जो मिल के मुझे समझाए, सब मुझे समझाए। आप ना बात आना अपने अकम टक्को से इस उम्र में। लो सुन लो इसकी बातें सुन लो। बहन जी आपने अगर भतीज झगड़ा करना है तो मैं जा रहा हूँ। तू चल दफा यहाँ से, शक्ल से अगवा करने वाला लग रहा है। खुद तो फुलन देवी की बहन लग रही है। अरे जूता उतार के मारना, दफा हो जा। ओ अम्मा खुदा का वास्ता चल अंदर। नहीं जाना मैंने अंदर, मैं कार के अंदर नहीं जाऊंगी जब तक वो बिल्लो जो है वो यहाँ से नहीं जाएगी। आ गई मुंह चुक के नारोवाल से। तो ठीक है फिर इधर ही रहो, जब अकल आ जाए ना तो अंदर वापस आ जाना। हाँ ओ अब्बा। हाय अरसल पुत्र, मैं तुझे बता रही हूँ तेरी रुखसती से पहले पहले ना तेरे बाप ने अपना निकाह खड़का लेना है। मैं बता रही हूँ ये सालों की साजिश है मेरे खिलाफ। नहीं तो कैंसिल कर देना ये शादी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ तो पुत्र कर दूंगी कैंसिल, पहले तो मुझे किसी ठिकाने पे लगा के आज सबको नबेड़ लूंगी मैं, तू देखना। माँ गाड़ी तो निकालने दे फिर कुछ सोचता हूँ। कहते अपने मसले नहीं सॉल्व हो रहे, तू अपना पाले बिच। ये भी सही बंदा ही बोल रहा है। मैं बताती हूँ तुझे, ठहर जा तू, फिर आ गया वापस आ गया, यूटर्न लेकर आया हुआ। अरसल जल्दी कर। अरे 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 जेरी आहिस्ता चलो आहिस्ता चलो, मुझे बुक नहीं संभाल रही। तुम एक काम करो, तुम बाइक चला लो, मैं बुक संभाल लेता हूँ पीछे। हाय क्या वाकई? लेकिन नहीं नहीं मुझे नहीं चलानी, तुम्हें पता है मुझे शौक बहुत है, लेकिन अरसल कभी ना कभी मुझे अपनी बाइक को हाथ नहीं लगाने देगा। तुम्हें तुम्हें शौक है? हाँ। तो आओ ना चलाओ फिर। नहीं ऐसी कहीं गिर विर गए तो मसला हो जाएगा, छोड़ो। अरे कुछ नहीं होता, बाइक नहीं गिरती, बस थोड़ा बैलेंस का इशू होता है, वो सही रखोगे तो सही चलेगी। वाकई? हाँ हाँ मैं पीछे बैठूंगा ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन ना लो। तुम संभाल लोगे? हाँ मैं संभाल लूंगा। देखो इंसान को ना अपने सारे शौक पूरे करने चाहिए, कोई शौक अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात तो सही कहा। हाँ चलो ठीक है फिर मैं चलाती हूँ। मैं कॉल कर दूँ? हाँ।
ओ अम्मा, अम्मा क्या कर रही है? अब ये क्या कैब मंगा लिए? तो घर खड़ी तो अच्छी बली गाड़ी। मैंने नहीं बैठा तेरे प्यो की गाड़ी में, और ये सिर्फ 3 मिनट अवे था। नहीं तो ये तूने सोचा, तूने जाना कहाँ है? रिश्तेदार तेरा कोई है नहीं पूरे शहर में। तू ऐसे कर, मुझे ना दारुल अबाद में जमा करा या स्टेशन में जाके छोड़ दे। तुझे पता तो है माँ बाप मेरे मर गए, बहन भाई मेरा कोई सगा है नहीं, आगा जी यहाँ पे आके बैठ गए। नहीं तो ये सब कुछ पहले सोचना था ना, घर छोड़ने से पहले। हाय तू भी तेले मुझे ताने सब की तरह, जब उनसे गिला नहीं किया तो अपनी औलाद से क्या करना। ओ मैं ताने नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना, चल चल घर चल पड़ते। नहीं मैंने नहीं जाना वहाँ पे, मैं नहीं जाऊंगी तेरे बाप के घर में, जहर खा लूंगी, नहीं जाऊंगी। अब नहीं जाएगी, वो अब तो निकल गई। अरे सही है। वो याद आया, ओए अम्मा वो मेरा दोस्त नहीं यासिर, वो जो दुबई गया हुआ है। वो अपने घर की चाबियां मुझे देके गया हुआ फ्लैट की, उधर रह ले 2-4 दिन, ऐसे ही अब्बा की ठिकाने आ जाएगी ना जब अकल, तो आ जाएगी वापस। लेकिन सल्लू पुत्र तू रहेगा ना मेरे साथ वहाँ? हाँ, ताकि घर की जो भी साजिश है ना वो तुझे कोई ना बताए। वो मैंने तो तुझे बताना है क्या हो रहा है घर में। हाँ ये तो तूने बड़े पते की बात की, चक्कर लगाता रही। मैं कल ही जा लूं, आप ही कैसे रहोगी? ओ मां आऊंगा ना, रोज आऊंगा तेरे पास। ठीक है भाई, तेरे से क्या यार। हाँ हाय, खेल कर आए ना, देख क्या हो गया मां। हाय हाय, देख ये जिया नहीं मोटरसाइकिल चलाती हुई, लग तो वही रही है मां। दिल ना ला ली, 3-4 दिन बाद वापस आना है। सुनो भाई, इसमें तो छन्नो थी भाई, बस मतलब इस वीडियो में छन्नो ही छन्नो थी, छन्नो की चर्चाएं ही दिखी है। घर से बाहर निकल चुकी है अब ये अपने मतलब इसके अरसल के दोस्त क्या रहेगी, पता नहीं कहाँ रहेगी, वो बोल तो रहा है कुछ भी हो सकता है। लेकिन यार जो ये लड़ी है ना, क्या लड़ी है यार, मतलब देख लिया था ना देख लिया। हाँ मुमताज के वहां वहां पे अपनी सास से जो ये लड़ी है, मतलब वो बंदा देखता रह गया कि यार इसने सुन लिया। हाँ। अब तो गलती भी नहीं है इसकी। वो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वो इतनी मतलब वो माफी मांग लेगी, तुम देखना। और भाई वो तो ऐसी चढ़ी क्योंकि उसने सुन लिया था, और गलती थी भी नहीं उसकी। हाँ, उसकी गलती नहीं थी, वो सही थी यार अपनी जगह, क्योंकि सुन लिया उसने। और फिर इसने उसको देख लिया, बिल्लो को, बिल्लो पति के साथ भाई। वो भाई एक तो इसके पास भी हाजिर जवाब है ना, ये मतलब जवाब दे रही है, नहीं देती है यार ये, जिस तरीके से देती है। और एक ये पंजाबी आता ही है ना, बोल देती है, और पंजाबी में देती है ना। हाँ। और भी मजा आता है, और ऊपर से अरसल भी, अब अरसल भी, हाँ अरसल भी अच्छी पंजाबी बोलता है वैसे। नहीं वो लग भी रहा है, इसका बेटा लग भी रहा है, लग रहा है वो इस तरीके से बोल रहा है ना। हाँ। तो मजा आ रहा है यार, मतलब देखने में काफी मजा आ रहा है। और अब बाइक चलाते हुए देख लिया, अब इसका दिमाग और खराब हो चुका है, और खराब हो गया। अब देखते हैं आगे क्या चलता है यार, क्या। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।